अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरी बातों को पॉजिटिवली समझिएगा। जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं आप उसको सुनिएगा। बच्चों जैसे कि काफी टाइम से जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं तो काफी तरह की न्यूज़ सोसाइटी में सुनने के लिए आती है, ठीक है। जैसे हमने कोटा में सुना कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो एक रॉन्ग स्टेप पे चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। वो पढ़ाई का प्रेशर महसूस नहीं कर पा रहे थे, या वो प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा लग रहा था, है ना, या उनको ऐसा लगा होगा कि हमसे हो नहीं पा रहा है, या कोई भी रीज़न रहा होगा इस तरीके से। क्योंकि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं अपने कैरियर को लेके, कि हमारा होगा या नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ बच्चों को लगता है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स एक गलत रास्ते को चुन लेते हैं और जिसकी वजह से वो एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके एक चीज को समझाऊंगा। बच्चों जब दो लोगों के अंदर शादी होती है, एक पवित्र रिश्ते में वो लोग बनते हैं, तो उसके बाद एक टाइम के बाद वो एक फैमिली प्लानिंग करते हैं कि चलो अब हमें आगे जाके एक बच्चा पैदा करना चाहिए, ठीक है। तो फिर काफ़ी टाइम बाद घर में एक न्यूज़ आती है कि भाई ये पर्टिकुलर लेडी जो है ये प्रेग्नेंट है। तो जब ये न्यूज़ आती है लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर कहा जाता है कि घर में खुशियां आने वाली हैं और ये होगा पैदा। कोई कहता है ये आएगा, मैं इसका नाम ये रखूंगा, अगर लड़की होगी तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़का होगा तो उसका नाम ये रखेंगे। मतलब बच्चा अभी पेट से निकला नहीं है, लेकिन हमने जो पेरेंट्स होते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो एक सपने बुनने शुरू कर देती हैं। और वो जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसका 9 महीने इतना अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर के पास उसको बहुत आराम आराम से लेके जाया जाता है, उसको गाड़ी में बहुत अच्छे से लेके जाते हैं, गाड़ी बहुत स्लो चलाई जाती है, हाथ पकड़ के उसको डॉक्टर के पास हर महीने लेके जाया जाता है, उसके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट में देखा जाता है कि बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इस तरीके से 9 महीने के बाद, भगवान के आशीर्वाद के बाद, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा जिसका माँ 9 महीने तक अपने पेट के अंदर लालन पालन करती है, उसका ख्याल करती है। बच्चा तो 9 महीने के बाद आता है, बट माँ और बच्चे का कनेक्शन तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन लेडी प्रेग्नेंट होती है। उसको इमोशंस बोलते हैं। लेडी के पेट में बच्चा है, वो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इस तरीके से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को धीरे धीरे उसको बड़ा करती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे करके उसकी 17, 18, 19, 20 साल तक परवरिश होती है। वो बच्चा ही उस पे माँ के लिए, उस पेरेंट के लिए सब कुछ होता है। अगर वो बच्चा कभी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास उसको सबसे पहले लेके जाया जाता है, अपने सारे काम बाद में किए जाते हैं। पापा कहते हैं मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, खाना बने या ना बने, पहले मेरे लिए बच्चा है, इसको लेके जाओ। इसकी स्कूल की फीस पहले भरी जाएगी, बाद में हम घर में देखेंगे कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। मतलब सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है पेरेंट्स के लिए वो उनके बच्चे होते हैं, उसके बाद उन बच्चों का फ्यूचर होता है, बच्चों का सपना होता है। तो सबसे पहले उनके लिए होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुस्कुराते रहे, खुश रहे, बस ऐसे हंसमुख रहे। उसके बाद होती है कि ये अच्छी पढ़ाई करें और इनका फ्यूचर अच्छा हो। तो एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जो खुशी है वो है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, मुस्कुराता रहे, उसकी नजरों के सामने रहे। इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती। तो बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपको कभी भी, ये एक मैं कॉमन मैसेज दे रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि कभी भी प्रेशर फील हो आप गलत रास्ते पे मत जाइए। क्योंकि आदमी तो चला जाता है, दुख उनका नहीं होता जो चले जाते हैं, दुख उनका होता है जो पीछे रह जाते हैं। अगर आप कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे, वो जब तक रहेंगे
वो भले ही जिंदा रहेंगे, शरीर उनका जिंदा रहेगा, बट उनकी आत्मा मर चुकी होगी। अगर वो ऑफिस भी जाएंगे तो उन्हें लगेगा मैं क्यों ऑफिस जा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ। अगर वो खाना भी खाएंगे तो वो खुद तो सुसाइड नहीं कर सकते ना, उनको तो जिंदा रहना ही है ना, लेकिन वो अगर खाना भी खाएंगे तो उनको लगेगा मैं क्यों खा रहा हूँ। मतलब एक शरीर होगा, एक ढांचा होगा जो अंदर से मर चुका होगा, बस बाकी की जिंदगी है उसे रो धो के काटना है, काटना तो पड़ेगा, इसलिए वो जिंदगी जी रहे होंगे। तो अगर आप कुछ गलत अटेम्प्ट करते हो तो बच्चों आपके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, वो जीते जी मर जाएंगे और हर दिन, हर मिनट, हर पल, हर सेकंड मरेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, अपना एग्जाम्पल देता हूँ। 2004 में मैं भी कोटा आया था, एक कोटा के संस्थान से मैंने भी कोचिंग ली थी, मैंने भी पढ़ाई की थी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी कारण से नहीं हुआ होगा, हो सकता है मेरे मार्क्स कम आए हों, हो सकता है मुझे पढ़ाई कम समझ में आती हो सकता है मैंने सीरियस होके पढ़ाई नहीं की हो, तलवंडी सर्किल पे बैठ के बस चाय पीता रहा हो सकता है मैंने अपना टाइम वेस्ट किया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है एक्स वाई जेड, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या मैं किसी गलत रास्ते पे गया, क्या मैंने कोई गलत प्रोसेस को अटेम्प्ट किया? नहीं, कुछ नहीं किया। उस टाइम मेरे दिमाग में भी यही आया था कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मैं घर से बाहर निकलूंगा कहेंगे देखो वो ड्रॉपर जा रहा है, उसको हमने कोटा में भेजा था, देखो एक साल का ठप्पा लग गया, इसने पढ़ाई नहीं करी, इस तरह के थॉट्स मुझे भी आते थे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पे खुद चलना पड़ता है। बच्चों जिंदगी है तभी तो जिंदगी जी पाएंगे, ठीक है? तो हमें किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना। मैंने कोई गलत रास्ता अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने ये सोचा कि शायद मैं उस चीज पर बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अपने पाथ को चेंज किया और मैं किसी दूसरे ग्रेजुएशन वाली फील्ड, मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, एमएससी किया, एमएससी टॉप किया, ठीक है, गोल्ड मेडल मिला, तो धीरे धीरे मैं जिस ट्रैक पे गया, जिस फील्ड को मैंने चुना उसमें बेस्ट किया। बच्चों आप इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हो, डीआरडीओ में देखते हो, सीसीएमबी में देखते हो, ठीक है, एनआईआई में देखते हो, आपके आसपास इतने सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनमें जो 90% डॉक्टर होते हैं वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं होते, बट दे आर बिग शॉट, दे आर सेलिब्रिटी, मोर देन सेलिब्रिटी, इतने बड़े, इतने इंटेलिजेंट, इतने इतने बड़े आदमी हैं कि हम तो इनकी तारीफ करने वाले हम तो कुछ होते ही नहीं हैं। हम तो एक टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, बॉटनी के टीचर हैं, मतलब इनमें भी 90% लोग डॉक्टर नहीं हैं, एमबीबीएस वाले पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, बट दे आर बिग शॉट, ठीक है। और अब आप देख लीजिए उनमें से भी तो काफ़ी लोगों ने नीट का या AIPMT का प्रिपरेशन किया होगा, बट अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो क्या वो गलत ट्रैक पे गए? नहीं, आज वो उनसे भी ऊपर चले गए। तो बच्चों ये जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी है तो सब कुछ है। आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो इससे बड़ा चीज लाइफ में कुछ नहीं है। सोचिए कितने फैमिली के बच्चे या कितने फैमिली में रिलेटिव कोरोना में उनकी डेथ हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो आज उनके फैमिली वाले उनको याद करते होंगे। क्या ये याद करते होंगे कि वो आ जाए, उसकी ये जॉब लग जाए, ये जॉब लग जाए? नहीं, वो ये याद रखते होंगे काश वो हमारे बीच में होते तो आज हम ये करते, आज वो करते। तो बच्चों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है फैमिली के लिए वो उनके बच्चे होते हैं, बाद में बच्चों का कैरियर होता है। कभी किसी गलत रास्ते पे मत जाना, सिलेक्शन हो या ना हो ये सब सेकेंडरी चीज़ है, आपकी मेहनत, आपका लक और ईश्वर के आशीर्वाद पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है, बट टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको जो लोग कोचिंग कराते हैं, आपको जो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, इनमें 80% टीचर्स नीट क्वालिफाइड नहीं होते, 80% टीचर MBBS डॉक्टर नहीं होते, बट वो अपने फील्ड में उस्ताद होते हैं, वो अपने फील्ड में लेजेंड होते हैं। कोई फिजिक्स की फैकल्टी है, कोई बॉटनी की, कोई केमिस्ट्री की, कोई जूलॉजी की, वो अपने फील्ड में लेजेंड है, बट वो सारे डॉक्टर नहीं होते। 70% टीचर्स आपको वो प्रिपरेशन
70% टीचर जो आपको तैयारी करवा रहे हैं नीट की, वो खुद अपने टाइम में नीट क्वालिफाई या AIPMT क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है, हम सब अपनी अपनी लाइफ में एक ज़माने में लूज़र रहे हैं, लेकिन आज वही लूज़र आपको मेडिकल की तैयारी करवा रहा है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी का 0 आता है, मुझे सिर्फ बॉटनी आता है। अगर मुझे सारी चीज़ें आती तो मैं भी डॉक्टर बन जाता। तो बच्चों, मुझे बॉटनी आता है, मैं आपको बॉटनी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम ऐसा भी था जब मैंने प्रिपरेशन की, मुझसे नहीं हुआ, तो मैं अपनी लाइफ में उस जमाने का एक लूज़र हूँ। तो बच्चों, हर आदमी अपनी लाइफ में किसी ना किसी जगह पर एक लूज़र है। ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए होता है, सभी के लिए वैलिड नहीं है, हमारे लिए तो ये वैलिड है। तो बच्चों, आप खुद देख लीजिए, आपका टीचर आपको कह रहा है कि वो खुद नीट क्वालिफाइड नहीं है। क्या हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, जो हमें इतना खुश कर सकते हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो बच्चों, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, अपना बेस्ट करो, पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो। साला फर्स्ट पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में होगा, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनके दूसरे साल में मार्क्स 450 आए, 470 आए, लेकिन तीसरे साल में 650 आए। दो बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम। अगर राम का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन तीसरे साल में हुआ और श्याम का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पहले साल में हुआ, तो बच्चों, जो मेडिकल कॉलेज में पहले गया वो डॉक्टर पहले रिटायर होगा, जो डॉक्टर बाद में बनेगा वो बाद में रिटायर होगा, जो मेडिकल कॉलेज में बाद में जाएगा उसका पे स्केल भी ज़्यादा होगा। तो अगर आज कोई तुमसे 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया है, तो इसका मतलब वो 3 साल पहले आपसे रिटायर होगा, आप उसके सीनियर कहलाएंगे। तो बच्चों, किसी भी गलत रास्ते पे आपको नहीं जाना है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, मस्त होके, बिंदास होके। जीता जाता उदाहरण आपके सामने आपके सर खड़े हुए हैं, आप कहते हो कि मैं अच्छा टीचर हूँ, कोई बॉटनी किंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बच्चों, बॉटनी किंग वगैरह कुछ मत बोला करो, नॉर्मल से टीचर हैं, सभी टीचर की रिस्पेक्ट करो, थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है पढ़ा लेते हैं। बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जिंदा हूँ और मैंने कोई भी गलत रास्ते पे नहीं गया। जिंदगी देर सवेर कहीं ना कहीं सही चीज आपको दे देती है, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपने से प्रॉमिस करिए, आप हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू।